नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आपके जुलाई महीने के अंत में यानी कि लास्ट वीक में जो सेट होगा, सेट मतलब स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट, जो आपके सेट होते हैं जुलाई महीने के एंड में जो आपका सेट होगा उसके लिए सिलेबस क्या है। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक गणित सब्जेक्ट का जो सेट एग्जाम के लिए सिलेबस है, आइए उसको एक बार हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें क्लास 9 के मैथ्स के सिलेबस की, तो जुलाई के महीने के अंत में होने वाले सेट एग्जाम में आपके 4 चैप्टर इसके लिए आएंगे। एक है हमारे पास चैप्टर 1 जो कि है संख्यापत्ति, चैप्टर 2 बहुपद, चैप्टर 6 रेखाएं और कोण, और चैप्टर 7 त्रिभुज। तो ये 4 चैप्टर आपके जुलाई में होने वाले सेट में आएंगे। ठीक इसी तरह से अगर बात करें क्लास 10 की, तो क्लास 10 के जुलाई सेट में जो सिलेबस है वो है चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, चैप्टर 2 बहुपद, चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। तो ये जो 4 चैप्टर हैं, पहले 4 चैप्टर आपके जुलाई सेट में आएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें 10+1 मैथ्स की, तो क्लास 11 मैथ्स की अगर हम बात करें तो इसमें सेट एग्जाम के लिए, जुलाई में होने वाले सेट एग्जाम के लिए चैप्टर्स हैं चैप्टर 1 सेट्स, चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस, चैप्टर 4 PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, एंड चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें क्लास 12 की, तो यहाँ पे सेट एग्जाम के लिए जो चैप्टर है वो है चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर 3 मैट्रिसेस, एंड चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स। तो चारों ही क्लासेस के लिए 4-4 चैप्टर चूज किए गए हैं जुलाई महीने के अंत में होने वाले सेट एग्जाम के लिए। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही इसकी डेट शीट आती है वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। फिलहाल ज़्यादा संभावना ये है कि ये जो आपके एग्ज़ाम होंगे ये अवसर ऐप के माध्यम से ही होंगे। अगर स्कूल खुलते हैं तो ये आपके जो एग्ज़ाम हैं ऑफलाइन भी हो सकते हैं। इसके बारे में जो भी जानकारी होगी वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। फिलहाल आप जुलाई के अंतिम सप्ताह में होने वाले इन सेट एग्ज़ाम के लिए, इस सेट के लिए आप अपनी तैयारी, इन चैप्टर्स की जो तैयारी है वो कंप्लीट कर लें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।